नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल गोल्ड IQ पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि मैं गोल्ड से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी अपने इस चैनल पे देता रहता हूँ, लेकिन एक कमेंट अक्सर मुझे ये सुनने में या फिर पढ़ने में आता है कि सर, हमारी ज्वेलरी पर जो है 23C लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो पूरा देखेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके। तो दोस्तों, अगर आपकी ज्वेलरी पर 23C ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। दो मतलब क्या हो सकते हैं दोस्तों, कि 23C मतलब 23 कैरेट, और दूसरा ये मतलब हो सकता है कि 23 कैरेट अगर आपकी ज्वेलरी है तो जाहिर सी बात है वो 23 कैरेट प्योर होगी, तो उसके ऊपर हॉलमार्क तो होना ही चाहिए था अगर अर्लीएस्ट आपने 10 सालों में अगर वो ज्वेलरी बाई की है तो। लेकिन अगर 23 कैरेट की अगर वो ज्वेलरी है तो उसमें 23C क्यों लिखा हुआ है, हॉलमार्क क्यों नहीं है। तो इसमें दोस्तों एक संभावना ये बनती है कि हालांकि आपकी ज्वेलरी पे 23C लिखा हुआ है, लेकिन वो ज्वेलरी जो है 23 कैरेट की हो ही ना। वो ज्वेलरी हो सकती है 20 कैरेट की, 21 कैरेट की, 19 कैरेट की या फिर 18 कैरेट की भी हो सकती है, क्योंकि बहुत से ज्वेलर्स जो है ऐसा करते हैं कि आपको जो है लो मेकिंग चार्जेस के चक्कर में, कभी कभी कस्टमर भी यही चाहता है कि उसको मेकिंग चार्जेस कम लगे, तो वो क्या करते हैं 23 कैरेट का जो है आपसे गोल्ड रेट लेते हैं और उसके ऊपर 100-150 रुपये मेकिंग चार्ज लेके आपको वो ज्वेलरी बना के दे देते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है इतने कम मेकिंग चार्जेस में कोई भी ज्वेलरी बना पाना नामुमकिन या फिर इम्पॉसिबल है। तो इसके कारण उन लोगों को ये करना पड़ता है कि उस ज्वेलरी की जो है प्योरिटी जो है कम कर देनी पड़ती है। तो अगर आपके पास 23 कैरेट की ज्वेलरी है तो वो तो है ज्वेलरी ही, आपकी गोल्ड की ज्वेलरी है, लेकिन उसमें जो है प्योरिटी जो है कम रहेगी। अब दूसरा ये ऑप्शन रहता है दोस्तों कि अगर 23 कैरेट ज्वेलरी नहीं है तो फिर उन लोगों ने हमसे ऐसा चार्ज क्यों किया। अब उसका कारण ये है कि आप ने जब मेकिंग चार्जेस कम दिए हैं और 23 कैरेट का रेट दिया है, तो अगर आप इक्वल करेंगे 23 कैरेट का रेट और मेकिंग चार्जेस अगर प्लस करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट जो है वो ज्वेलरी जो है 916 हॉलमार्क के रेट में पड़ती है। लेकिन बहुत सारी जगह पे ऐसा भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ज्वेलर ऐसे करते हैं, 23 कैरेट भी ज्वेलरी हो सकती है, प्योर हो सकती है, हालांकि उन्होंने हॉलमार्क करा के नहीं दी है, क्योंकि हॉलमार्क कराने के चार्जेस इंडिया में 20-30 रुपीज़ है। तो दोस्तों, जब भी आप गोल्ड बाई करते हैं तो मैं आपसे अक्सर ये कहते रहता हूँ कि जब भी आप गोल्ड बाई करें हॉलमार्क उसके ऊपर देख लें, चाहे वो 18 कैरेट का गोल्ड हो या चाहे 22 कैरेट का गोल्ड हो या 23 कैरेट का गोल्ड हो। हालांकि आपको अभी 15 जून या फिर जुलाई कुछ गवर्नमेंट ने डेट सेट की है, इसके बाद में कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसका कारण ये है कि गवर्नमेंट ने जो है सारे ज्वेलर्स को हॉलमार्क बेचना कंपलसरी कर दिया है। अब आपको कोई भी ज्वेलर जो है विदाउट हॉलमार्क की ज्वेलरी जो है वो नहीं बेच पाएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको कोई मतलब समस्या है कि आपकी ज्वेलरी पे 23 कैरेट लिखा हुआ है या 23C लिखा हुआ है, तो आप अगर जानना चाहते हैं कि वो ज्वेलरी असली है या नकली है, तो एक इसका सिंपल सा मैं आप लोगों को उपाय बताता हूँ। आप क्या कीजिए, किसी भी आपके जो मेन सिटी है उसमें जो रेपुटेड ज्वेलर है, रेपुटेड ज्वेलर मतलब उनकी सारी बहुत सारी रिटेल चेन है या फिर बहुत सारी ब्रांचेस है, उनके पास जाइए। उनके पास एक कैरेट मीटर लगा हुआ है और वो कैरेट मीटर पे आपको जो है उसकी प्योरिटी चेक करके दे देंगे। हालांकि वो टेंटेटिव होता है, 1-2% का उसमें कम ज़्यादा या आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि आपकी जो ज्वेलरी है वो सही है कि नहीं है। तो उम्मीद करता दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ना पसंद आया हो तो डिसलाइक भी ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ वो आप लोगों के लिए उपयोगी भी है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।